सर आपकी सरकार हो या फिर उद्धव जी की सरकार हो ब्यूरोसी पुलिस बहुत ही पोलिटिसाइज हो गई है पहले उद्धव जी के साथ ही मीडिया पर भी देव अटैक्स ऑन द मीडिया एक्सटोर्शनस हुए हैं और अभी कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने लॉयल्टी चेंज कर दी एज फार एज पीपल आर कंसर्न दे फील कि ये लोग जो हैं दे आर सपोज टू सर्व अज बट दे आर सर्विंग द पोलिटिशंस नहीं मेरा अपना मानना है कि मैं कभी भी किसी को टारगेट करने के लिए पुलिस का उपयोग नहीं करता इससे पहले भी पाँच साल में राज्य का होम मिनिस्टर रहा हूँ जब चीफ मिनिस्टर था तो आई वॉज ऑल्सो होम मिनिस्टर अभी एक साल से मैं होम मिनिस्टर हूँ मैं तो किसी को टारगेट नहीं करता हूँ मैंने कभी भी पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं किया है हाँ जहाँ पर तथ्य बाहर आएंगे जहाँ पर कंप्लेंट्स आएंगी जहां पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू इंक्वायर जहां पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू रजिस्टर एफ आई आर आई हैव टू डू इट वॉट इल्स कैन आई डू तो अब ऐसे स्कैम अगर बाहर आएंगे कि कोविड के समय आपने जंबो कोविड सेंटर खोल दिया और अब जब ध्यान में आता है कि थर्टी फाइव डॉक्टर्स उनको जब मेल भेजा जाता है तो दे रिस्पॉन्ड दैट वी अप्लाइड बट वी आर नेवर एम्प्लॉयड और उनके नाम से सैलरीज चल रही है पूरे कोविड के दरमियान देन हुनी डॉक्टर और विदर द कंपाउंडर्स वेर मैनेजिंग देन रिस्पांसिबल फॉर द डेथ्स इन द कोविड सेंटर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं चल रहा है चलेगा करना पड़ेगा अब इसको कोई वेन डाटा पॉलिटिक्स बोलेगा तो ठीक है पर सर ये विल इट बी टेकन टू इट्स एंड और इज इट जस्ट कि एक डंडा किसी के सिर पे रख के और कभी हम देखते नहीं फिर वो चला जाता है में चला जाता है इट <laughs> नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है हमारी सिस्टम में टाइम लगता है देखिए ये सिस्टम का दोष है ये हमको मानना पड़ेगा समय लगता है लालू जी का नाइनटी का चारा घोटाला उसमें उनको सजा दो में हुई है चौदह प्रॉब्लम और अब उनको जेपी ऑफ द यूनिटी मूव माना जाए हाँ हाँ, तो फिर वही ना <laughs> लोग तो यही कहेंगे देखिए ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा लेकिन इस सिस्टम को मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि हमारे कोर्ट्स को भी ये विचार करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारे ये जिम्मेदारी सरकार और कोर्ट्स दोनों की है कि देखिये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे निर्णय दिए है लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मामले एक जज चलाए एडजमेंट न दे और एक साल में फैसला दे अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है तो इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा कोर्ट को भी सुधारना पड़ेगा और सरकारों को भी सुधारना पड़ेगा